देखिए बिल्डोजर चल ही रहा है, क्यों चला रहे हैं ये? साहब कह रहा हूँ देश में अगर मुसलमान ना होता ना तो मुझे लगता है भीख मांग रहे होते भाजपा वाले। क्या बात है? हाँ मैं कह रहा हूँ भीख मांग रहे होते। इनकी रोजी रोटी का जो एक सहारा है वो मुसलमान, इनकी जो राजनीति का सहारा है एक मुसलमान, इनका माई बाप समझो मुसलमान। ये मुसलमान को जब छेड़ते हैं तभी इन्हें दक्षिणा मिलती है कुछ, तो ये मुसलमान है या बाकी देश के अंदर राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी लोग होते और देशभक्त होते तो मुझे लगता है जो सरकार इस प्रकार के काम कर रही है सरकार दोषी होती है और वो जेल में खड़ी होती। मकान तोड़वाने के बाद उसके परिवार फैमिली कहाँ जाएगी भाई? उसके घर में जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, बहनें हैं, माता है, तो ये कहाँ जाएंगे? उन्होंने कौन सा कत्ल कर दिया? मगर जब बाहर जाते हैं विदेश में तो शेखों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मौलानाओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके सर हाथ पर रखवाते हैं, इन्होंने कानून को कैप्चर कर रखा है, इन्होंने बंदी बना रखा। आज लोकतंत्र का नहीं, आज पूरे देश के इंसानियत का गला दबा रहा है इनके शासन में, और सबका गला दबाया जा रहा है, हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, हर कौम का, इंसान का गला दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म होने कंगाल पे, संविधान नष्ट करने की ओर पे, और ये राजशाही चलाना चाहते हैं। शांति की आप बात कर रहे हैं, संविधानिक प्रक्रिया क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? संविधानिक प्रक्रिया कहाँ है? संविधानिक प्रक्रिया में दीमक लगा गया है, उसको खोखला कर कौन छुटाएगा? देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही तो क्रांति तो उसी से तो होगी। आप न्याय की बात तो अंग्रेज भी करते थे, क्रांति करनी पड़ी ना, अंग्रेजों को भागना पड़ा, और कहीं किसी दिन एक हाथ करोड़ दिल्ली की ओर कूच हो गए भारत के लोग, उसी दिन ये क्रांति खत्म हो जाएगी। और ये भागते फिरेंगे, ये भागेंगे ऐसे जैसे ये आइए टेक्सा की हसीना यहाँ पर जो आई है, ये बस्ती हुई आई है, इसको भी दुनिया में जगह नहीं मिली थी, ऐसे वो भागे थे वहाँ के पिटे थे। तो मुझे लगता है ये मोदी जी, उन मोदी जी तो पहले ही मन बना के आए थे कि झोला उठा के भाग जाऊंगा, तो इसलिए देश को भेज रहे हैं तो भागना। देश भर में बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर बुलडोजर से ही आरोपियों को दंडित किया जाने लगे तो फिर न्यायपालिका किस काम आएंगी? फिर कोर्ट कचहरी तारीख ये सब हवा हवाई हो जाएगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश से इसकी तमाम वीडियो पहले ही आ चुकी हैं, और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बाकी राज्य भी इस तरह का काम वहाँ की सरकारें करने लगी हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक आरोप के चलते 5 करोड़ का तकरीबन आलीशान घर जमींदोज कर दिया गया, और सिर्फ घर नहीं बल्कि वहाँ पर गाड़ियाँ भी कुचल दी गई। इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जी हैं और सोशल इश्यूज पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। किस तरह से देखते हैं, वीडियो आपके सामने आया ही होगा, और सवाल तो बहुत सारे हैं कि ये गैर संवैधानिक काम है, गैर कानूनी काम है, लेकिन एक आरोपी का घर टूट गया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी आरोपी तो मुझे लगता है अगर लोकतंत्र की बात की जाए, राज्य लोकतंत्र बहाल होता या संविधान पर काम हो रहा था या बाकी देश के अंदर राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी लोग होते और देशभक्त होते तो मुझे लगता है जो सरकार इस प्रकार के काम कर रही है सरकार दोषी होती और वो जेल में खड़ी होती। अच्छा। जिस प्रकार के काम कर रही तो ये संविधान हमारा इजाज़त नहीं देता। अगर कोई आदमी दोषी है तो उसके ऊपर मुकदमा होता है और मुकदमा बनता है तो फिर उसको जो भी है या ट्रायल पे जेल में भेजा जाए, उसका रिमांड लिया जाए, या फिर जो जज है जो फैसला सुनाता है उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। मगर यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ तो वही है कि भाई जो हुक्मरान बैठा है, चाहे देश का हुक्मरान हो चाहे प्रदेश का हुक्मरान हो, उसके जो मन में आई उसने अपने हिसाब से एक तानाशाह कानून की तरह जो कह दिया फरमान, जैसे राजशाही होती है, जैसे राजतंत्र होता है, तो राजा महाराजाओं वाले तो खाम खत्म हो गए अब। मगर ये लोकतंत्र है और सबकी आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ति की है लोकतंत्र उठाने की। और वहाँ जब सभी लोग जब गए अपने आंदोलन को लेके गए, किसी भी प्रदर्शन को कर रहे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी थे उस प्रदर्शन में, तो क्या उन्होंने नहीं देखा होगा कि कौन पत्थर मार रहा, उसके बाद कौन से मुकदमे बने? अगर उस वक्त कोई पत्थर मार रहा था तो उन्हें गिरफ्तार करते, बाद में आपने उसके ऊपर मुकदमा बना दिया उस गरीब के ऊपर बेचारे के ऊपर और उसका मकान तोड़वा दिया। मकान तोड़वाने के बाद उसके परिवार फैमिली कहाँ जाएगी भाई? उसके घर में जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, बहनें हैं, माता है, तो ये कहाँ जाएंगे? उन्होंने कौन सा कत्ल कर दिया, गुनाह कर दिया? मतलब आपसे सवाल पूछना खतरनाक हो गया, जबकि हमारे लोकतंत्र और संविधान की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस आज़ादी पर अंकुश लगाने वाले लोग तुम कौन हो? तानाशाह हुकूमत है, पर आज कहने वाला कोई नहीं। एक सरकार बिल्डोजर लाती है, दूसरी दिखाती है, तीसरी और करने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही हुकूमत है। और यही वजह है कि ऐसी तानाशाह हुकूमत है, चाहे श्रीलंका में हो चाहे बांग्लादेश में रही हो, उनकी स्थितियाँ पूरी दुनिया देख रही है। और तीसरा नज़ारा यही गृह युद्ध जैसी स्थिति जो भारत के अंदर जो है ये जो बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं जन आक्रोश है जो दबा हुआ है। जिस देश को, मुल्क को क्या चाहिए, देशवासियों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान चाहिए, और ये जो है महंगाई इस पर कंट्रोल चाहिए। इस पर सरकार कोई भी किसी भी तरीके से बात करने को तैयार नहीं। जो एक्शन लिया गया उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है,
अगर बुलडोजर की कार्रवाई है तो वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो झारखंड में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की भी घटनाएं कई सारी ऐसी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आरोपी कौन है और किसके घर पर बुलडोजर। देखिए बुलडोजर चल ही रहा है, क्यों चला रहे हैं ये तो जानबूझ के इनके एक मकसद है कि भाई अगर मैं तो साफ कह रहा हूँ देश में अगर मुसलमान ना होता ना तो मुझे लगता है भीख मांग रहे होते भाजपा वाले। क्या बात है। हाँ मैं कह रहा हूँ भीख मांग रहे होते। इनकी रोजी रोटी का जो एक सहारा है वो मुसलमान है, इनकी जो राजनीति का सहारा एक मुसलमान है, इनका माए बाप समझो मुसलमान। ये मुसलमान को जब छेड़ते हैं तभी इन्हें दक्षिणा मिलती है कुछ, तो ये मुसलमान है मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं और इन्हें लगता है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे तो हम चले जाएंगे। और ये पिच तैयार करते हैं बार बार, हिंदू मुसलमान की पिच करते हैं किसी भी मामले में, चाहे बांग्लादेश का मैटर हो, पाकिस्तान का हो, या फिर ऐसे मामले हों, कोई आंदोलन कर ले, मुस्लिम नेतृत्व कर ले, इन्हें स्वीकार नहीं। और स्वीकार क्यों नहीं, उन्हें लगता है ये तो औरों को भी उकसा देंगे कि और मुसलमान भी नेतृत्व करें, और इसको पूरे देश के मुसलमान समझ रहे हैं, विपक्ष समझ रहा है कि जिनके पास किसी चीज़ पर नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की पिच तैयार करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं, उसके बाद बाकी है इनके पास मशीन है। पर आप हो कर क्या सकते हैं, देखिए घर टूट गया ना, एक के बाद एक आशियाने टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। एक आवाम, एक एक इस देश का नागरिक क्या कर सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए भाई साहब मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, देश में 35-40 करोड़ मुसलमान है, कितनों के मकान तोड़ेंगे, तोड़े ना दिखाएं तो सही, नहीं मेरे पास तोड़े मगर किन के कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए उन्हीं को चिन्हित कर रहे हैं, और चिन्हित करने का उसको हवा भी पूरी दी जा रही है, सिर्फ मैंने कहा नहीं पिच बना रहे हैं हिंदू मुसलमान की। भाई सरकार इनकी, हुकूमत इनकी, सब कुछ इनका, फिर भाई ये 35-40 करोड़ मुसलमान है, इनको भारत से बाहर भगा दो, तुम्हारी औकात है नहीं है, मगर जब बाहर जाते हैं विदेश में तो शेखों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मौलानाओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके सर हाथ में रखवाते हैं, वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनके पता नहीं क्या हैं, पालतू हैं, और मगर यहाँ राजनीति चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक के खेल है जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और अभी तो स्थितियाँ ये वर्गीकरण करके भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये लोगों को फूट डालो शासन करो की नीति है, मुसलमानों में कहीं ना कहीं वर्गीकरण किया जा रहा है, कहीं बांट देते हैं शिया सुन्नी के नाम पर, ये इनकी राजनीति तो देखो आप, और कौन लोग हैं वो जो मुस्लिम बन के इनके साथ में जो आ जाते हैं मेनस्ट्रीम मीडिया पर और भाजपा का पक्ष रखते हैं, आप ये सब देख रहे हो, तो सब वो दलाल हैं, हर कौम में दलाल बैठे हैं, और राजनीति इनकी हिंदू मुसलमान के अलावा देश को होके जाए मेरी समझ नहीं आ रहा। पर इसमें ये भी तो है, जैसे अगर घर टूट रहा है ठीक है, आपने कहा कि भाजपा जहां पर है वहां ये काम कर रही है, विपक्ष जब अपने आप को अब मजबूत कह रहा है कि चुनाव के बाद हम मजबूत हुए हैं, कहां है विपक्ष, जो काम पहले हो रहा था वही अब हो रहा है, कोई बदलाव लगा आपको? विपक्ष की फटी पड़ी है दिमाग की नस। अच्छा मैं आपको बता दूं, अब वो जान रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की पिच तैयार करेंगे, अगर विपक्ष ने मुसलमानों के पक्ष में बोल दिया तो ये कह देंगे मुल्लों की औलाद है, ये मुल्लों की पार्टी है, फलाने में, मेरी बात सुन लो, ये वो तो यही बता सकते हैं इन पार्टी वालों से आप सवाल करोगे, क्योंकि उनका जवाब दे तो नहीं होनी चाहिए विपक्ष को, मैं तो जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, अगर लोकतंत्र में वो विपक्ष है तो सही तरीके से आवाज़ रखें, वहाँ बहुत सारे सांसद हैं उनके, उन्हें आवाज़ वहाँ रखनी चाहिए, और अगर दलितों के साथ हो रहा है, दलित भी 131 सांसद हैं, वो चिल्ला रहे हैं तो दलित के ही दलित ऐसे दुश्मन है, क्योंकि जाके उसी जज को फूल दे के आते हैं गुलाब का कि भाई बड़ा अच्छा निर्णय लिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में दलाल है, और अगर ये मुसलमानों के साथ हो रहा है तो कुछ ना कहीं मुसलमानों में भी इस मानसिकता के लोग हैं जो इनसे मिले हुए हैं, तभी ये कार्रवाई जारी हो रही है, अन्यथा मुस्लिम भी इकट्ठे होके अगर इस बात के लिए, मतलब 40-35 करोड़ मतलब क्या है, पूरे दुनिया में देख लो कितनी आबादी, कौन सा देश होगा सबसे ज़्यादा मुसलमान, मुझे लगता है हमारे देश के अंदर ही है पूरी दुनिया में, इतनी आबादी होने के बाद भी अगर मुस्लिम ईमानदारी और सच्चाई से लोग कहने के वाकई इंसानियत को खतरा है, इंसानियत के लिए कहना आप खतरा है, और यही पार्टियां के इंसान को मारा गया, मुसलमान को मारा गया, हिंदू को क्यों मारा गया, इंसानियत के बिना बात कर रहे, सब कह रहे मेरी कौम, मेरी बिरादरी, मेरी जात, मेरा मजहब, मेरा धर्म, इस पर ये जानबूझ को जितना इसको छेड़ेंगे उतना ही राजनीति करेंगे, इसको पकाएंगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, महंगाई सब पे पड़ रही है, बेरोजगारी सब पे पड़ रही है, बलात्कार सबकी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को चलाने वाले खुद वैसी हैं, खुद दरिंदे हैं, खुद बलात्कारी हैं, खुद अत्याचारी हैं, खुद तानाशाह हैं, और राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। तो अगर कानून जिंदा होता, क्योंकि कानून को कैप्चर कर रखा है इन्होंने, बंदी बना रखा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं नंदा भाई कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर बने आगे तक, ऐसा कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का डिसीजन ना ले। भाई आपको क्या लगता है? मुझे लगता है यार सरकार बदले पूरी केंद्र की, तब जाके कहीं हो सकता है, क्योंकि जज भी, जजों से भी उम्मीद और अपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा। आज की जो स्थिति जैसे फैसले आ रहे,
दलितों के, वंचितों के, मुसलमानों के खिलाफ फैसले आ रहे, और जो मेहनत कश जातियाँ हैं, चाहे किसान ही सही, इसकी सबसे बड़ी मेहनत कश जाति, तो किसानों के खिलाफ कहीं ना कहीं गलत आ जाते हैं निर्णय। और फिर जज जो रिटायर होते हैं, जो ईमानदार हैं, वो कहते हैं साहब हम क्या करें, जब आपकी स्थिति हमारे काम कराया जाता है, भाई रहना सबको है, सरकार के पास पुलिस है, सब कुछ है, और बदमाश भी है उनके पास, तो किसी को भी दबाव डलवाना हो तो किसी प्रकार से दबाव डलवा देंगे, नहीं समझेगा तो मार देंगे। तो इनका शासन जो मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार के मतलब वैसी दरिंदे किस प्रकार काबिज होते हैं, मैं तो इस भाषा का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरे देश में दहशत का जो वातावरण है, न्याय की किसी को उम्मीद नहीं है, पुलिस दिखती है, कोर्ट दिखता है, थाना दिखता है, सारी जांच एजेंसियां दिखती है, मगर कार्रवाई ईमानदारी से कोई नहीं करता है, जबकि जो बेचारा न्याय मांग रहा है उसी का गला दबाने पर लग जाते हैं सब। परेशानी यह है आज लोकतंत्र का नहीं, आज पूरे देश के इंसानियत का गला दबा रहा है इनके शासन में, और सबका गला दबाया जा रहा है, हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, हर कौम का, इंसान का गला दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं ख़त्म होने कंगार पर, संविधान नष्ट करने की ओर पर, और ये राजशाही चलाना चाहते हैं, इस देश को बे करें। थर्ड फोर्थ क्लास की नौकरियां इन्होंने ख़त्म करी, ठेकेदारी पर था ले आए, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप ये देख लो कि पीछे से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, चाहिए इसकी परीक्षाएं हो, आप देख रहे हो ओम बिरला की लड़की को दिया ना, वो कौन थी, मॉडल ही तो थी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 10वीं 12वीं की परीक्षा कराई जाए, ओम बिरला की लड़की पास नहीं हो सकती। आप IAS की परीक्षा उसको नियुक्ति दे रहे हो करके, एग्जाम नहीं दे रही और उसको IAS बना दिया, तो देश कहीं ना कहीं भ्रष्ट तो हो रहा, पूरी तरीके से भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं वो खुद अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोग देश के ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस तरीके के मामलों पे जो बुलडोजर वाले चल रहे हैं, और बहुत सारे जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब इतना गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या नज़र नहीं पड़ रही, वहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच रही, क्या लगता है? सब कुछ पहुँच रहा है, वीडियो को नहीं, रोज़ चाय की चुस्कियाँ पीते होंगे, रोज़ अखबार पढ़ा होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो सब पढ़ते हैं अखबार। क्यों नहीं लेंगे संज्ञान? संज्ञान क्यों लेंगे भाई, सत्ता है, शासन है, शासन का प्रभाव है, उनका अपना होता है कानून मंत्री, कानून मंत्री के अंतर्गत सब जा रहे हैं भाई, उन्हें भी बनना है, आगे बढ़ना, कानून मंत्री जाएगा तो 2 मिनट में हटा देगा जस्टिस को, तो सबको दुकान चलने, चाटू काटता तो वहीं पहुंचती होना चाहिए आपके हिसाब से, इस होना ये चाहिए कि भाई क्रांति होगी, मैं कह रहा हूँ आक्रोश है, जन आक्रोश कैसे होगी क्रांति, जब लोग आ जाएंगे, देखो बांग्लादेश में हुई ना, आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? हम नहीं बनाना चाहते, आक्रोश होगा जब आप लोगों के अधिकारों को दबाओगे, बांग्लादेश में तो सरकार के खिलाफ ही तो होगा, सरकार ही तो गलत कर रही है, सरकार सुचारू रूप से अगर सब सिस्टम को सही चलाए तो न्यायाधीश भी सही हो जाएंगे, पुलिस वाले भी सही हो जाएंगे, कानून व्यवस्थाएं भी सही हो जाएंगी, भ्रष्टाचार भी समाप्त होएगा, बलात्कार के ऊपर भी अपना दो पर्ची है, फैसला ना सुना है कि अपनी पार्टी के लोग बलात्कार करें तो वो चमत्कार हो जाता है, और दूसरे कहीं कुछ हो जाए तो वो कह लें बलात्कार नहीं, आफत हो गई, समझे नहीं, तो ये इनके काम है, इनसे बचने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जब भी जन आक्रोश उठता है, जब भी क्रांति होती है, और फिर ऐसे लोगों को भागना पड़ता है, तो ये तानाशाह हुकूमत है, तानाशाही है जो देश के चारों स्तंभ में, क्रांति की आप बात करें, संवैधानिक प्रक्रिया क्यों इस्तेमाल नहीं करते? संवैधानिक प्रक्रिया कहाँ है, संवैधानिक प्रक्रिया में दीमक लगा गया है, उसको खोखला कर, कौन छुटाएगा, देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही तो क्रांति तो उसी से तो होगी, आप न्याय की बात तो अंग्रेज भी करते थे, क्रांति करनी पड़ी ना, अंग्रेजों को भागना पड़ा, तो अंग्रेजी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं, जो 200 वर्ष अंग्रेज यहाँ रहे, जो मौज मस्ती कर गए, उनकी नाजायज मानसिकता से नाजायज कीड़े जो पैदा हुए, उसी तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं, विदेशी कंपनियों के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और विदेशी निवेशक यहाँ आ गए हैं देश को, जो गुलाम बनाने पर लगे, कारपेट जगत को मालिक बना रहे हैं, 5,44,000 करोड़ रुपया कारपेट जगत का माफ किया इन्होंने, बैंकें खाली कर दी देश की, ये स्थितियाँ, और जबकि किसान मर रहा है कंगाली के हालत में, और आंदोलन करता फिरता है, तो उसको भी उल्टी सीधी भाषा, अभी हाल ही में देखा कि उसको भी कहते थे किसान माता हुआ, कि वो बलात्कार होते थे वहाँ, तो ऐसे ऐसे जब बयान दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके आंखों में पानी नहीं है, शर्म नहीं है, बेगौरत और छिंदे टाइप के लोग सत्ता और शासन में, और जो कहते हैं जो टपोरी टाइप के जो होते हैं गली मोहल्ले या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उस प्रकार के लोग इस सत्ता पे काबिज हो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने अहंकार से मतलब है, अपने नशे पत्ते से मतलब है, अपनी अय्याशी से मतलब है, चाहे किसी की बहन की इज्जत टूटे, बेटियाँ तबाह हो जाएँ, बच्चों के रोजगार खत्म हो जाए, जो पढ़े लिखे बच्चों को ये कह सकें कि भाई समोसा लगाओ, पकौड़ा लगाओ, सिंगाड़ा बेको, मूँगफली बेको, तो इससे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, और कहीं ना कहीं जब पढ़े लिखे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, जवानों को नहीं मिल रही, अग्निवीरों की हालत क्या कर दी है, तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश है, देश की पूर्व सैनिक की पत्नियों को निर्वस्त कर दें, हिंदू की बात करने वाले हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करें, भाजपा के लोग करें,
तब सुनवाई ना हो। दलितों की बच्ची चाहे मनीषा वाल्मीकि हो उसका रेप कर दें, हत्या कर दें, पिछड़ों की बच्ची हो तुम्हारे पिंकी लोधी बुलंदशहर से उसका बलात्कार कर दें, उसकी भी हत्या कर दें, तब वहाँ न्याय नहीं मिलता हो तो क्या होगा? और मुस्लिम जैसे हुआ तो आपको पता ही है उसका, जो गुजरात में कांड हुआ उसके साथ क्या हुआ, तो गर्भवती होने के बाद उसका कैसे बलात्कार किया गया, उसके बच्चे होने का उसके सामने बलात्कार किया गया, मुस्लिम महिला थी, तो उसको भी न्याय नहीं मिला। तो महिलाएं किसी की सुरक्षित नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, अगर महिला का शोषण कहीं हो रहा है बलात्कार हो रहा है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। चाहे बलात्कार कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बंगाल में हो, कहीं की हो, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, इनकी सुरक्षा करने का काम दायित्व हर सरकार का है, हर कौम का, हर जाति का है, हर धर्म का है। और इंसानियत के लिए जब तक खड़े नहीं होगा, हमारा संविधान इंसानियत की बात करता है, हिंदू मुसलमान की नहीं, इंसान की बात करता है। हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं परिवर्तन होगा, क्रांति कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से नहीं समझे, अगर ये राजशाही इसी तरीके से तानाशाही चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे क्रांतिकारी, हम में भी आक्रोश है, जन आक्रोश है, और ये आक्रोश फूटेगा और कहीं किसी दिन एक आध करोड़ दिल्ली की ओर कूच हो गए भारत के लोग, उसी दिन ये क्रांति खत्म हो जाएगी। और ये भागते फिरेंगे, ये भागेंगे ऐसे जैसे ये आइए टेक सके हसीना यहाँ पर जो आई है, ये बस्ती हुई आई है, इसको भी दुनिया में जगह नहीं मिली थी, ऐसे वो भागे थे वहाँ के पिटे थे। तो मुझे लगता है ये मोदी जी, और मोदी जी तो पहले ही मन बना के आए थे कि झोला उठा के भाग जाऊँगा, तो इसलिए देश को भेज रहे हैं तो भागना। अब ये देख रहे हैं कि वो कौन सा दिन है जिस दिन ये भागने वाले हैं, तो देश में जन आक्रोश है, गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ करवाना चाहते हैं। वो जब बाद में लोगों की समझ आएगी तो कहीं ना कहीं सरकार सत्ता और हुकूमत के पीछे ये देश की जनता भागेगी, तब इन्हें भागना पड़ेगा। भागने किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे बिल्डोजर चल रहा है ना, वैसे ही न्याय यहाँ मिलेगा, जनता देगी न्याय, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना बुलडोजर की जो कार्रवाई है देश भर में, उसका विरोध तो हो रहा है। इस इंटरव्यू को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, जो कार्रवाई की बात कही गई है और जो आक्रोश की बात की गई है, आप कितने सहमति रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।